بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Tech Computer College. Students, आज की वीडियो में मैं वो पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आज आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब 2021 का पेपर, ठीक है? कंप्यूटर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम BSc BA पार्ट 2 कंप्यूटर का पेपर जो कि आज आप देकर आए हैं, अटेम्प्ट करके आए हैं। तो स्टूडेंट्स पेपर में तक पहुँचा है, सब्जेक्टिव पेपर में तक आ गया है, ऑब्जेक्टिव अभी मुझे नहीं मिला। जैसे ही मुझ तक ऑब्जेक्टिव पेपर भी पहुँचेगा तो मैं वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करके तो आप लोगों के लिए सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। फिलहाल सब्जेक्टिव पेपर मुझे मिला है स्टूडेंट्स, इसको मैं इसका सोल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आप लोग एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पेपर ठीक किया और कितना गलत किया, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं। और इन फ्यूचर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पार्ट टू के पेपर देने हैं NSTI या जब भी, तो वो उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल है कि उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसे कैसे सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट्स SQL का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने क्वेरी का क्वेश्चन आया। पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि आपको याद होगा कि मैंने परसों, मतलब आज से कोई एक दिन पहले, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने आपको गेस बताए थे, पेपर पैटर्न भी बताया था उस वीडियो में और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि ये क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। और डाटा बेस के सिर्फ 3 सवाल मैंने आपको बताए थे जिनमें से मैंने कहा था कि 2 लाजमी आएंगे, ठीक है ना? टोटल 4 बताए थे, मैंने कहा था 3 सवाल इनमें से लाजमी आएंगे और 2 अगर आप कर लेते हैं तो आपका पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं वो क्वेश्चन आया कि नहीं। तो देखिए मेरे सामने ये पेपर है, ठीक है, डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम के भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे और उन्हीं क्वेश्चन में से सेम आपका पेपर बना, ठीक है? कैसे देखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको डेटाबेस में अगर वो आपको दिखा दूँ तो स्टूडेंट्स वो मैं आपको वीडियो के आगे चलने से पहले मैं आपको याद करा दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक कंप्यूटर कॉलेज को सब्सक्राइब कर दें। अब तो कर दें, सेम वही पेपर आ गया जो आपको गैस बताए थे, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ कि मैंने आपको क्या गैस बताए थे, पेपर में आपको क्या क्वेश्चन आया। स्टूडेंट्स ये आप लोगों की एक्चुअली मैं कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, दूसरों तक भी वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाने जा रहा था, ये देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने आपको गेस्ट पेपर दिए थे और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डाटा बेस के अंदर आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं जिनमें से 2 आपने करने होते हैं और मैंने आपको सिर्फ ये 4 सवाल बताए थे, ये 3 सवाल बताए थे। एक तो बीच में क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQs का होगा, MCQs भी सॉल्व MCQs भी मैंने आपको दिए थे, चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा और चैनल पे भी मेरे जीते MCQs भी पिछले 5 साल के मैंने सॉल्व करके आपको दिखाए थे और स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, उनसे ही पता चल रहा है कि MCQs भी आपको पिछले पेपरों में से ही आए हैं। आधे से ज्यादा MCQs आपके 5 पेपर में से ही आए हैं जो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिए होते हैं आप लोगों के लिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में अगर हम देखें तो थ्योरी का सबसे पहले आपको जो है मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन आएगा और मैंने साथ आपको ये कहा था कि अगर आप थ्योरी ना भी करें तो ये 3 सवाल आप लाजमी करेंगे तो आपका इन 3 सवालों में से ही पेपर आएगा। मैंने थंबनेल पे भी लिखा था कि सिर्फ ये 3 सवाल डाटा बेस के करें और आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। और 3 सवाल मैंने आपको कौन से पूछे थे, एयर डायग्राम, SQL और नॉर्मलाइजेशन। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इन 3 सवालों में से 2 जो है वो पेपर वाला पेपर सेटर आपको देगा, आप उसकी मर्जी है कि वो या डायग्राम दे दे और SQL दे दे या SQL दे दे नॉर्मलाइजेशन दे दे या नॉर्मलाइजेशन दे दे, लेकिन उसने यही 3 जो 2 क्वेश्चन है या डायग्राम और SQL यही आपको दिए हैं। उसमें इन 3 क्वेश्चन में से देखें 2 आपको आ गए, 2 ही सवाल आपने पेपर में अटेम्प्ट करने थे। कौन से 2 ये देखें, ये आपका पेपर है। उसमें पहला तो ये देखें थ्योरी का सवाल है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो देखेंगे SQL का क्वेश्चन है, ठीक है, 12.5 मार्क्स का। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इजीली नजर आए, इतना ठीक है। स्टूडेंट्स ये देखें, ये थ्योरी का सवाल आ गया SQL का और नीचे देखें तो ये डायग्राम का सवाल आ गया, ठीक है। तो ये 3 2 सवाल आ गए हैं, 2 ही आपने इसमें से अटेम्प्ट करने थे, ठीक है।
है, ये देखिए लिखा हुआ है 1022 क्वेश्चन। तो यही दो सवाल मैंने आपको बताए थे, तीन बताए थे जिनमें से मैंने कहा था दो लाजमी आएंगे। तो स्टूडेंट्स देखें इन तीन सवालों में से, ठीक है पहला सवाल तो ठीक है एमसीक्यू सवाल बना, तो इन तीन सवालों में से देखें आपको दो सवाल आ गए या डायग्राम भी आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी थी उन्होंने तो तैयारी कर ली होगी और उम्मीद है कि उनका पेपर भी अच्छा हो गया होगा। स्टूडेंट्स अब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि उसमें से क्या आया और गैस में क्या आया। स्टूडेंट्स देखिए मैंने आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग के गैस दिए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने प्रोसेस स्केजलिंग लाजमी करनी है, ठीक है प्रोसेस स्केजलिंग का जो फोर्थ चैप्टर है वो मैंने कहा था आपने लाजमी करनी। तो देख लेते हैं जी कहाँ क्या, ये देखें जी प्रोसेस स्केजलिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने ये चैप्टर किया उनका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने आपको यह डायग्राम एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यही दो सवाल बताए थे तीन, और नॉर्मलाइजेशन मैंने कहा था इन तीनों में से दो सवाल लाजमी आने। तो देखें यह डायग्राम और एसक्यूएल आ गया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में से मैंने आपको चैप्टर फोर कहा हुआ था कि आपने कंप्लीट करना है, तो देखिए वो भी आपको आ गया, ठीक है स्केचिंग का, ठीक है प्रोसेस स्केचिंग। और नेक्स्ट मैंने आपको ओएसआई मॉडल कहा था कि आपने नहीं देखा, नेटवर्किंग में सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने आपको ओएसआई मॉडल का कहा था। तो देखें ओएसआई मॉडल की दो लेयर्स आ गई ना आपको, देखें ठीक है फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन दो ही आपने अटेम्प्ट करना था। तो अगर आपने वीडियो देखी थी तो आपने उम्मीद है कि चैप्टर फोर सीपीयू स्केलिंग वाला भी कर लिया होगा, वैसे मॉडल भी ये दोनों सवाल आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स आपका 100% पेपर जो है वो इन्हीं गैस में से आया, जो मैंने आपको पेपर से ही पहले बता चुका था, और एमसीक्यूज भी आपको वही आए हैं जो पास पेपर्स में आ चुके थे जिनका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ था यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये तो आपका पेपर था जो कि मैंने आपको बताया ठीक है दी, और उसी में से आ भी गया। तो उम्मीद है कि आपको आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो कुछ पेपर की बात हमने की, अब हम चलते हैं उसकी तरफ कि आपने पेपर को सॉल्व कैसे करना, यानी कि जो क्यूरी का क्वेश्चन है आपने ये किस तरह से अटेम्प्ट करना था और आपने कैसे किया है, और अगर आपने ठीक किया है तो आपको 12.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपने ये क्यूरी सबसे पहले क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, पहला देखें पार्ट लिखा हुआ है क्रिएट अ फॉलोइंग टेबल कस्टमर, ठीक है जो कि जिसके एटीट्यूड क्या हो, कस्टमर आई डी कस्टमर नेम एड्रेस फोन नंबर कैटेगरी एंड आल्सो इंसर्ट गिवन डाटा। स्टूडेंट्स मैं ये एक्सेस पे भी आपको परफॉर्म करके नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखा दूंगा, फिलहाल मैं आपको सिर्फ क्योंकि पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको सिर्फ क्यूरीज बता रहा हूँ, सिर्फ उतना बताऊंगा जितना आपने पेपर में लिखना था और आपको ये 12.5 मार्क्स मिल जाने थे, ठीक है जो मेरे होपफुली आपने लिखा होगा तो आपको मिले होंगे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स जो पहला पार्ट ए है उसमें लिखा हुआ है आप एक टेबल क्रिएट करें कस्टमर नेम का जिसमें ये एटीट्यूड्स हो, तो उसकी क्यूरी क्या है जी ये आपके सामने है, क्रिएट टेबल कस्टमर आपने लिखना था, क्रिएट टेबल कस्टमर सेम ऐसे ही आपने ये लिखना था अगले ना क्रिएट टेबल कस्टमर, कस्टमर आई डी उसकी डाटा टाइप नंबर नेम उसकी डाटा कैरेक्टर एड्रेस उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर फोन और फिर उसकी डाटा टाइप नंबर फिर कैटेगरी उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर। स्टूडेंट्स ये एक पॉइंट आपका सॉल्व हो जाएगा। सेकंड लिखा हुआ है जी मेक कस्टमर आईडी प्राइमरी की आफ्टर द टेबल क्रिएशन, ठीक है तो जब आपका टेबल क्रिएट हो गया ठीक है अब आपने टेबल क्रिएट करने के बाद प्राइमरी की इंसर्ट करनी है, किसको बनाना प्राइमरी की कस्टमर आईडी को। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपने ये वाली क्यूरी लिखनी थी जो नीचे डी नंबर पर लिखी हुई है Alter Table Customer Add Primary Key और आगे आपने वैल्यू लिखा था कस्टमर आई डी।
जो आपने ऊपर ये वाली क्वेरी के थ्रू जो टेबल बनाया था उसके ऊपर प्राइमरी की इंप्लीमेंट हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकंड नंबर पे था। थर्ड नंबर पे आपको लिखा हुआ है जी डिस्प्ले ऑल कस्टमर नेम दोज हु बिलोंग्स टू लाहौर, यानी कि उन कस्टमर्स के नाम बताएं जो लाहौर से बिलोंग करते हैं। तो इसका इसके दो तरीके हैं। एक थोड़ा सा मुश्किल है कि आप लाइक का ऑपरेटर यूज कर लें, ठीक है, लेकिन वो मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा। तो एक आसान तरीका भी है कि ठीक है आपने अगर पेपर में आपने ये उसने पूछ ही लिया तो देखें आपका जो टेबल है इसमें सारे लाहौर के ही हैं, ठीक है, तो आप सिंपल भी अगर चूरी लिख देते ये वाली जो कि मैंने ये लिखी है नीचे, ये तो इंसर्ट इन टू स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखी है आपकी जो है वो आपकी कन्वीनियंस के लिए कि इंसर्ट इन टू स्टेटमेंट से इस तरह से आप वैल्यूज भी एंटर कर सकते हैं। ये आपने पेपर में नहीं थी लिखनी, ये सिर्फ मैंने आपको एक्स्ट्रा एक बात बताई, तो आपने सिर्फ ये जो ए बी ए और बी चूरी है ये तो नहीं लिखनी थी। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स आपने सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, एक छोटी सी क्वेरी लिख देते तो ये तीनों नेम आपके सेलेक्ट होके आ जाने थे, क्योंकि तीनों का जो ताल्लुक है वो लाहौर से ही है, तीनों लाहौर से बिलोंग करते हैं ऑलरेडी, तो स्टूडेंट्स ये क्वेरी भी आपकी हो जाने थे, नंबर मिल जाने थे। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप लाइक ऑपरेटर भी यूज करके ये क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक आसान से तरीका बताया कि पेपर में आपने अगर ऐसे भी किया है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट डी जो है पार्ट इसमें देखिए लिखा हुआ डिस्प्ले ऑल द कस्टमर नेम विच हैव गोल्डन कैटेगरी, यानी उन कस्टमर्स के सिर्फ नाम डिस्प्ले हो जिनकी कैटेगरी क्या है गोल्डन है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपने नीचे डी नंबर की जो कैटेगरी है ये लिखनी थी, स्टेप नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू गोल्डन। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट पे जो क्यूरी आपको पूछी गई है वो है जी एड अ कॉलम ऑन मोबाइल नंबर आफ्टर द टेबल क्रिएशन, जब आपने टेबल बना लिया तो आपने एक और कॉलम उसमें इंसर्ट करना है, वो आप कैसे करेंगे, उसकी क्यूरी आपने ये लिखनी जो ई पे आपको दी गई, आल्टर टेबल कस्टमर एड कॉलम मोबाइल नंबर आगे उसकी टाइप नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें ये आपने इसको तो आप भी भूल ही जाएगा, ये आपने नहीं लिखनी क्योंकि उसने ये नहीं था ताकि आप टेबल में जाके इंसर्ट करें स्टेटमेंट आगे, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, उसने सिर्फ आपको ये ए बी सी डी सिर्फ ए बी सी डी थोड़ा सा ये ए बी सी डी ई ये इसने आपको सिर्फ पांच चीजें पूछी थी और पांच ही आपने लाइनें लिखी थी। अगर ये पांच लाइनें आप पेपर में लिखा है तो आपको 12.5 पर फुल बटा फुल मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप ये नहीं लिख के आए या कोई मिस्टेक कर दिया तो डेफिनेटली आपके नंबर डिटेक्ट होंगे, जो कि होपफुली आपने नहीं की होगी क्योंकि आपने एसक्यूएल क्वेरी के से जो पिछले पेपरों में आई हुई थी सवाल वो भी सारे मैंने सॉल्व करके अपने चैनल पर डाले हुए थे, आपने वो वीडियोज भी होपफुली देखी होंगी तो आपको एसक्यूएल क्वेरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये था आज का पेपर जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसका प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सेस की यहाँ से फाइल ओपन करूंगा और सेम यही वाली क्यूरी यहीं से बल्कि कॉपी करके इसके ऊपर इसमें एक्सेस में इंसर्ट करके आपको लाइव डेमो भी दिखा दूंगा। तो लेकिन इस वक्त मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी हमने सिर्फ आप मैंने वो ये बताया कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना था, आपने सिंपल क्वेश्चन नंबर देना था और ये पांच लाइनें आपने लिखनी थी और आपको 12.5 नंबर मिल गए। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो फिर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप इसको लाइक भी कर दें और अगर लाइक किया है तो फिर शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब तो आपने माशाल्लाह कर ही लिया होगा। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।